क्या आप एक प्रोफेशनली पीपीसी एक्सपर्ट हो या आप गूगल एक्सपर्ट हो और दोनों प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, या ऑलरेडी आप ये दोनों प्लेटफॉर्म कभी यूज नहीं कर पाया? बस कोई बात नहीं फ्रेंड, मैं आज आपको साथ शेयर करूंगा कि ये दोनों प्लेटफॉर्म के अंदर कौन सा सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट आपका बिजनेस के लिए परफेक्ट हो सकता है। राइट, यहाँ पर बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि फेसबुक एड, इंटरनेट की ऑनलाइन प्रमोशन, बिजनेस करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक एड्स या गूगल एड्स। और ये लेकर हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको शायद शेयर करूंगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस के लिए परफेक्ट हो सकते हैं और कौन सा प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस के लिए एकदम परफेक्ट नहीं है। तो ये वीडियो और पूरा नॉलेज नहीं, लेकिन ये मेरा ये जो लेक्चर क्लास है ये आपको सुनना ही होगा। फ्रेंड, आप जानते हो कि मैं एक प्रोफेशनल पीपीसी एक्सपर्ट हूँ। इसके साथ साथ में फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम एड, ट्विटर और बहुत सारे ऐसे गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म के अंदर जो एड चलता है, जैसे बिंग एड, इसके ऊपर मैं काम करता हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से मैं आज आपको शायद शेयर करूंगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट बेनिफिट दे सकते हैं और अगर आप एक एडवर्टाइजर प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे पहले आपको सीखना चाहिए। राइट फ्रेंड, तो शुरुआत में आपको कहूंगा कि दोनों प्लेटफॉर्म की ऑडियंस के बारे में आपको थोड़ा सा जानना होगा, क्योंकि गूगल के पास जो ऑडियंस है और फेसबुक के पास जो ऑडियंस है वो थोड़ा सा अलग टाइप के है। मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि व्हाई गूगल एड्स, वो वीडियो अगर आप नहीं देखे तो प्लीज इसके पहले जो वीडियो है वो आप जरूर चेक करिए, उसके अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो फ्रेंड, फेसबुक के अंदर एक्चुअली जो यूजर है वो एक्चुअली सोशल मीडिया मार्केटिंग की मतलब मार्केटिंग के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक यूजर फेसबुक के अंदर चैट करते हैं, कुछ न्यूज फीड देखते हैं, कुछ दोस्त को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, यहाँ तक आपको फोटो अगर अच्छा लगता है तो शेयर करते हैं। तो ऑडियंस बिहेवियर आपको समझ में आ चुका है कि इसके अंदर कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक मार्केट प्लेस, ये सारे चीज के अंदर लिस्टिंग लगाते हैं। राइट, यहाँ तक आप चाहे तो आपका शॉपिंग एड, प्रमोशन, ये सारी चीज आप कर सकते हो, यहाँ तक आप लीड भी ले सकते हो। पर क्या है ना, कोई यूजर सास करके आपका बिजनेस के इंफॉर्मेशन लेना नहीं चाहते। राइट, जब आप एक एड कैंपेन चलाते हो, एक टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आप एड कैंपेन चलाकर उन लोगों को टारगेट करते हो, देन वो लोग आपको एड देख पाते हैं। राइट, गूगल के अंदर ये पॉलिसी नहीं है, इसलिए गूगल एड अच्छा है या नहीं है ये तो मैं बाद में बताऊंगा, कंपेयर आप खुद कर लीजिए। तो आपको समझ में आ गया कि फेसबुक के अंदर अगर आप आपका बिजनेस का ब्रांडिंग बनाना चाहते हो, आप बिजनेस का प्रमोशन करना चाहते हो, कोई एक सोशल वर्क या कुछ इवेंट है जो आप प्लानिंग करो और वो जल्दी से जल्दी वायरल हो जाए या जल्दी से जल्दी लोगों को पास पहुंचे, ऐसा ही प्लेटफॉर्म हिसाब से आप फेसबुक यूज कर सकते हो। और फ्रेंड, फेसबुक एक इनबाउंड मार्केटिंग भी है और यहाँ तक आपको आउटबाउंड मार्केटिंग भी है। फ्रेंड, यहाँ तक जब गूगल की बात आते हैं तो आप जानते हो गूगल एड सिर्फ सर्च इंजिन के ऊपर काम नहीं करते, उसका भी डिस्प्ले ऐड आता है, आप चाहे तो उसको भी ऐड दिखा सकते हो, जैसे बड़े बड़े जो चैनल होता है, जैसे न्यूज चैनल, जैसे यूट्यूब के अंदर, जैसे एप्स के अंदर, जैसे आपको मोबाइल के अंदर, ये सारे प्लेटफॉर्म के अंदर आप गूगल एड्स टूल्स यूज करके आप ऐड कैंपेन दिखा सकते हो। फ्रेंड, फेसबुक और गूगल दोनों पास ह्यूज ऑफ ह्यूज ऑडियंस है और ये ऑडियंस को आप लेकर काम कर सकते हो। फ्रेंड, गूगल एड्स अगर आप सास कैंपेन लगाएंगे तो इनबाउंड मार्केटिंग, आई मीन कोई आपको कंपनी या आपको कीवर्ड रिलेटेड बिजनेस के हिसाब से जो मैथ होता है वो रिलेटेड कीवर्ड गूगल पे सर्च करते हैं और आपका जो एड्स है वो देखने के लिए कोशिश करते हैं। तो एक यूजर प्रोडक्ट की रिलेटेड या आपको सर्विसेज के रिलेटेड कुछ क्वेरीज करते हैं और वहां तक आपको एड देखने को मिल जाता है। फ्रेंड, तो यहाँ तक जब आप ये देख पाएंगे तो आई होप कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ तक आपको एक बेहतर से बेहतर आप एड कैंपेन चला सकते हो गूगल एड के द्वारा। यहाँ तक आप कॉल एड लगा सकते हो, लैंडिंग पेज बना सकते हो, लीड जनरेशन कर सकते हो, वीडियो एड प्रमोशन कर सकते हो। फ्रेंड, फेसबुक जैसे एक सोशल मीडिया मार्केटिंग है तो गूगल के पास भी एक सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे यूट्यूब चैनल है और भी कुछ बहुत सारे उसका पार्टनर यूट्यूब चैनल के जैसा ही पार्टनर टूल्स है, वहाँ पर भी आप आपका बिजनेस के एड प्रमोशन कर सकते हो। तो फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म और गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म
कि दोनों प्लेटफॉर्म के हम कंपेयर करें तो लास्ट तक मैं आपको बता दूं कि गूगल एड्स बेहतर है, क्योंकि गूगल के पास ह्यूज ऑफ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो यूजर की डाटाबेस आपको साथ शेयर करते हैं, आप कस्टम ऑडियंस भी कर सकते हो, जो आपको मन पसंद है, जो कीवर्ड के रिलेटेड आप काम करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, अगर आप ब्रांडिंग करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। और फ्रेंड, गूगल सबसे अच्छा बेस्ट ऑफ बेस्ट एड कैंपेन चलाने के लिए कोशिश करते हैं और आपका ज्यादा से ज्यादा जो रेवेन्यू है वो आपको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से, मैं एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट एड कैंपेन एक्सपर्ट के हिसाब से मैं आपको सजेशन करूंगा, हाँ फ्रेंड, फेसबुक के ज्यादा गूगल एड सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट टूल है, आप इसको यूज कर सकते हो और इसका फायदा ले सकते हो। फ्रेंड, ऐसा ही वीडियो आपको पार्ट में मिलते रहेगा। मैं एक प्रोफेशनल पीपीसी एक्सपर्ट हूँ, गूगल एड्स के ऊपर काम करता हूँ और इस वीडियो के बाद में और बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, गूगल पीपीसी एक्सपर्ट अगर आप बनना चाहते हो या गूगल एड एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ये चैनल आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़ते रहिए और आगे भी ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, अपने इंपॉर्टेंट टाइम दिए इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नया एक वीडियो के साथ, तब तक आप हैप्पी रहिए, खुशी रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।